हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली यहां पर IQ Neo 7 को लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर 8 GB रैम है, 128 GB का स्टोरेज में है। वहीं 8 GB रैम है, 256 GB का स्टोरेज है। दोनों के अलग अलग प्राइस भी हो सकते हैं, मैं आपको प्राइस को लेकर भी बात करूंगा। पहले मैं बता दूं कि इसमें एंड्रॉयड 13 पर ये चल रहा है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस सैमसंग का E5 AMOLED डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिल रहा है, और ये लॉन्च हुआ है सेम इसी में। गेमिंग के लिए, स्मूथ गेमिंग के लिए इसमें HDR सपोर्ट के साथ 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। फ़ोन में अक्टा कोर 4nm MediaTek Dimensity 9000 प्लस SoC प्रोसेसर के साथ है, जो कि 12 GB तक की LPDDR5 रैम और माली G710 GPU दिया गया है। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766V प्राइमरी सेंसर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शूटर है, जहां पे सेल्फी और वीडियोस कॉल्स के लिए 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ़ोन में 512 GB तक UFS 3.1 का इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। 5000mAh की बैटरी के साथ 120W का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और जो कि कंपनी ने दावा किया है कि 506 घंटों तक स्टैंड बाय का टाइम डिलीवर करता है, और 8 GB रैम के वेरिएंट में बेस है। और मैं अगर फाइनली यहां पे आपको प्राइस को लेकर बात करूं, तो जो इसमें दो वेरिएंट है जिसमें 8 GB रैम है, वो 30,000 के लगभग आसपास में है। फिर एक 256 स्टोरेज का मॉडल के साथ है, उसका लगभग 32,000 के आसपास में है। फिर यहाँ पे अगर मैं जो लेटेस्ट 12 GB प्लस 512 GB का स्टोरेज है, वो 37,700 रुपये के आसपास में है, जो कि इसमें पॉप ऑरेंज कलर भी ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये चाइना में लॉन्च किया गया है फ़िलहाल के लिए, इंडिया में अभी तक कोई लॉन्च की डेट कंफर्म नहीं की गई है। फ़िलहाल ये फाइनली इंडिया में नहीं चाइना में लॉन्च हुआ है। फाइनली यहाँ दोस्तों, जो भी कुछ है, लॉन्चिंग डेट कब कैसे आएगा उसका जरूर से मैं अपडेट करूँगा। अभी के लिए अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।